The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So lung cancer ki diagnosis, screening, kaise honi hai, kaise karni hai. So what is basic cheeze? Basic cheeze screening hoti kya hai? स्क्रीनिंग का मतलब है कि जब हम किसी कैंसर को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं बिफोर एनी सिम्टम, राइट, सिम्टम आने से पहले ही कैंसर को डायग्नोस करना इज स्क्रीनिंग, ठीक है। और ऐसी चीज को फिर लंग कैंसर में जब हम करेंगे इसको अर्ली स्टेज में, दैट बिकम्स लंग कैंसर स्क्रीनिंग, ठीक है। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस विल बी दैट। ऑब्वियसली कैंसर के अर्ली स्टेज में किसी को भी सिम्टम नहीं आते, इस समय डायग्नोसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। और जब तक सिम्टम आते हैं तब तक कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका होता है जो कि आपके लिए घातक हो सकता है। सो इसीलिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं आपको पहले, कोशिश करते हैं कि जितने भी टाइप के कैंसर्स हैं, जितनी भी टाइप की बीमारियां हैं, प्रिवेंटेबल बीमारियां, उनको जल्द से जल्द अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस कर लिया जाए। सो इस केस में आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर को ये नहीं लग रहा कि आपको कैंसर है, ठीक है। ये सभी के लिए होता है स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपके लिए हो रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट वन पर्सन, इट इज अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर टेस्ट। सो आपको क्या क्या याद रखना है लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, नंबर वन। इसके वजह से कई सारे लोगों की रेगुलरली जान जाती रहती है। और टुकेतर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर, जानलेवा कैंसर, सो सबसे ज्यादा जानलेवा कैंसर है लंग कैंसर, ठीक है। तो लंग कैंसर को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लंग कैंसर करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोकिंग, हमने पहले आपको बता चुके हैं। लंग में कैंसर्स हो सकते हैं, स्मॉल सेल, नॉन स्मॉल सेल, राइट। सो कैंसर के बारे में हमें सब कुछ आइडिया होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग कौन से टेस्ट होते हैं लंग कैंसर के लिए। नंबर वन टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर, सॉरी, जो लोगों को नहीं होते सिम्टम उनके लिए, जिनको सिम्टम नहीं है उनको स्क्रीनिंग की जाती है। ये क्या हो गया, आवाज को कुछ हो गया था। तो स्क्रीनिंग जो करते हैं, नंबर वन टेस्ट जो होता है वो होता है लो डोज स्पाइरल सीटी स्कैन। लो डोज स्पाइरल सीटी स्कैन इज एक्चुअली, इट हैज शोन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम लंग कैंसर इन हैवी स्मोकर्स। सो अगर आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जोरदार स्मोकिंग करते हो, तो लो डोज स्पाइरल सीटी स्कैन ऑफ योर लंग्स आप कराएंगे। एक्सरे चेस्ट और जो बलगम की जांच है वो ज़्यादा कुछ रिस्क या वो डायग्नोसिस में उतना मदद नहीं करती है। सो एक्सरे टेस्ट या बलगम की जांच उतने फ़ायदेमंद नहीं होगी। या स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो लंग कैंसर के, वो टेस्ट को अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद करना ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो स्पाइरल सीटी जो है, लो डोज स्पाइरल सीटी, LDCT बोलते हैं, जिसमें बहुत सीरियल नंबर ऑफ पिक्चर्स ली जाती है, एक्सरे जैसी मशीन होती है सीटी स्कैन की, और सीटी स्कैन से आपके बॉडी के स्पाइरल पाथ में एक्सरे घप 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 लेके उससे हमें क्लियरली दिख जाता है अगर कहीं कोई मास है, कहीं कोई ट्यूमर है, कहीं कोई एक्सरे कॉजिंग, एक्सरे जैसी चीज़ लग रही है। सीटी स्कैन और स्पूटम माइक्रोस्कोपिकली देखता है, एक्सरे में कुछ खास आइडिया तभी मिलेगा अगर ट्यूमर बहुत बड़ा होगा। सो अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन इज गुड, राइट। और स्मोकर जो है उनके लिए अच्छा है। और बाकी रिस्क किसको किसको होगा, नंबर वन, अगर आपको लंग कैंसर फैमिली में हो चुका है या पहले हो चुका है आप, या फिर ये टेस्ट जो है किसी, कोई स्मोकिंग करता है, कोई पोल्यूटेड इलाके में रहता है, उन लोगों के होने चाहिए। फैमिली हिस्ट्री या लंग कैंसर की उन लोगों के होने चाहिए।
और अगर मान लीजिए करवाते भी हैं ये टेस्ट, तो इसके क्या रिस्क है? सीटी स्कैन से कोई कैंसर नहीं होता, लो डोज सीटी स्कैन है, और लो डोज सीटी स्कैन में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बार इसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकते हैं जिनको कन्फर्म करना पड़ता है एक्सरे, और बेसिकली ये समझिए एक एक्सरे और एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो, दोनों आपके चेस्ट को रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़रूरत है कि नहीं है ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही टेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लंग कैंसर. सो लंग कैंसर में फॉल्स नेगेटिव टेस्ट, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट ये भी हो सकते हैं स्क्रीनिंग में. सो आपको ये समझना है फॉल्स नेगेटिव टेस्ट का क्या मतलब है, कि आपके रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं इन स्पाइट कि आपके अंदर लंग कैंसर है, लंग कैंसर है फिर भी सीटी स्कैन में कुछ नहीं आ रहा, तो ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट है. ये हो सकता है अगर लंग कैंसर बहुत ही छोटा है और बहुत अर्ली स्टेज में है तो नहीं होता, नहीं दिखेगा, तो आपको कुछ एक साल बाद या कुछ सिम्टम्स या कुछ दिनों बाद फिर से कराना बेहतर होगा. फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है. फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि कुछ नहीं है, राइट, लेकिन लंग कैंसर जैसा दिख रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है, और वो फिर आपको अननेसेसरी एंजाइटी दे देगी. बात हो रही है स्पाइरल सीटी स्कैन की डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर में. सो इस केस में फिर जो अगर कोई गांठ है, कोई ट्यूमर जैसा कुछ भी दिख रहा है, तो उसकी होती है बायोप्सी. उसका लिया जाता है एक टुकड़ा, और टुकड़े का लेके जाँच होती है कि भाई ये क्या चीज़ है, राइट, और कई बार अगर ज़रूरत पड़े तो फिर डायग्नोसिस कंफर्म करके वट एवर द ट्रीटमेंट ऑपरेशन है, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी, उसको फिर शुरू किया जाता है, राइट. और बाकी चेस्ट एक्सरे सीटी स्कैन, उससे आपको कैंसर नहीं होता, एक आधी से रेगुलरली बहुत ज़्यादा मात्रा में करने से कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं. जी हाँ, बहरहाल कैंसर का रिस्क तो धूप से भी बढ़ जाता है. सो आपको अपने तरफ से प्रिकॉशंस लेनी है लंग कैंसर डायग्नोस करने के लिए, राइट. सो दिस इज बेसिक लिटिल बिट अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम टेस्ट एंड स्पाइरल सीटी स्कैन. ओके.